Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut Parikshetgarh क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा में एक भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा कार्यकर्ता की इस हत्या को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। मारे गए युवक का नाम 28 वर्षीय वैभव त्यागी है। उसके करीब एक साल पहले ही शादी हुई थी। भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की खबर सुनकर किठौर के पूर्व विधायक सतवीर त्यागी भी मौके पर पहुंच गए। पूर्व विधायक का कहना है कि हत्याभियुक्त शोएब व फिरोज सपा से ताल्लुक रखते हैं। वैभव ने उनके चुनाव में बेहद सक्रियता से कार्य किया था। इस चुनावी रंजिश में ही उसकी हत्या की गई है। हत्या की इस वारदात को गांव राहदरा के पास घात लगाकर अंजाम दिया गया। मौके पर मौजूद भाजपा के पूर्व विधायक सतवीर त्यागी ने यह जानकारी दी। हाँ, वैभव नाम के भाजपा कार्यकर्ता की हत्या की गई है और हत्या करने वाले दो लड़के जो मुस्लिम समुदाय से थे वो वहीं के रहने वाले हैं, कुआखेड़े के। और इस लड़के को पौना घंटा पहले उन्होंने थ्रेट दी थी कि हम तुम्हें गोली मार देंगे और ये रिपोर्ट करके ही आ रहा था। रिपोर्ट दर्ज करा के आधे घंटे के बाद में इसका मर्डर कर दिया। बिल्कुल हम लगातार संपर्क में हैं, अभी पोस्टमार्टम पे हैं। हम लोग पोस्टमार्टम जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास कर रहे हैं और जो इनके परिवार में जो एक पूरी तरह से रोष है, जो इनको गुस्सा है, जो इनकी जो हम देख रहे हैं कि इनके साथ जो जास्ती हुई है, इसको निश्चित तौर पर हम जो है ऊपर तक पहुंचाएंगे। और हम कप्तान के और उनके संपर्क में हैं जो यहाँ के अधिकारी हैं, अभी फोन उठा नहीं रहे हैं। नहीं, पुलिस का तो बता रहे हैं कि शायद उस वक्त नहीं भेजी, कहाँ वहाँ नहीं भेजी, उस वक्त कोई पुलिस नहीं भेजी और उसको खतरा था जान का, तभी वो वहाँ गया था। पुलिस से अपना जो किला परिक्षेत्रगढ़ की पुलिस थी उससे अपना बचाव करने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए वो जो है उसके बाद ही उसका मर्डर हो गया। उसके बाद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना कोई एक्शन। अभी बता रहे हैं कि कोई एक जो है उनमें से एक को शायद उठाया है, अब आ जाएंगे। वो मैंने बुलाए हैं, SHO बुलाया मैंने, अब आप बिल्कुल करेगी सरकार। तो भाई हमें पूरा भरोसा है अपने मुख्यमंत्री जी पर, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये चीज़ लाई जाएगी कि ये सब हुआ तो निश्चित तौर पर जो है अभी हम देख रहे हैं अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं इसमें। अगर इसमें कहीं प्लस माइनस करते हैं तो हम इसकी जो है इसका संज्ञान लेकर और मुख्यमंत्री जी तक इसकी हम इस बात को पहुँचाएँगे। और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है कि हमारी सरकार बहुत पारदर्शी और बहुत ही ईमानदारी से, योगी जी के में हम लोगों की पूरी आस्था है। और भाजपा कार्यकर्ता की हत्या होना एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में ये साबित करता है कि जब से समाजवादी पार्टी का यहाँ उम्मीदवार जीता है तब से इनके हौसले बढ़े हैं। इनके हौसलों को तोड़ा जाएगा, इनके मनोबल ऊँचे हुए हैं। निश्चित तौर पर इनको जो है इस तरह का कोई भी काम नहीं करने दिया जाएगा जिससे भाजपा कार्यकर्ता हतोत्साहित हों या ये जो है अपराध को प्रवृत्ति इनकी पन पे या अपराध को बढ़ावा मिले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।